हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टील टेस्ट या क्वालिटी टेस्ट ऑफ स्टील बार एट साइट। तो हमारे जो स्टील बार है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है 12 मीटर। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो 12 मीटर का है या नहीं। चार से पांच स्टील बार हम ले लेते हैं और उसकी पूरी लेंथ चेक करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो जो स्टील हमारे पास आया है वो डुप्लीकेट या नकली तो नहीं है। फिर हमारा अगला है वेट चेक। वेट चेक करने के लिए हमारा फॉर्मूला था D²/162। इससे हम उसका वेट निकाल लेते हैं जो भी हमारे पास स्टील बार है R12 या 16 डायमीटर का। और जब हम उसका स्टील बार निकालते हैं तो हमारा 1 मीटर का वेट पता चल जाता है। फिर हम 4 से 5 स्टील बार का रोड को कट करते हैं अलग अलग स्टील लेंथ में से और उसका वेट करके देखते हैं कि इसके इक्वल या लगभग है या नहीं। अगर इसके इक्वल या लगभग नहीं है तो स्टील बार खराब क्वालिटी या डुप्लीकेट है। फिर हम देखते हैं डायमीटर। डायमीटर चेक करने के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है। आपने दिया कि 8 mm का स्टील बार चाहिए, उन्होंने 7 mm का भेज दिया, तो देखने से आसानी से पता नहीं चलता। तो हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे और बाकायदा उसे चेक करेंगे कि हमने 8 डायमीटर का मंगवाया तो 8 डायमीटर का है या नहीं, या 12 का मंगवाया है तो 12 का है या नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चेक करना। फिर है टैग। स्टील रोड पे IS मार्क हो, ग्रेड ऑफ स्टील लिखा हुआ हो और कंपनी का नाम लिखा हुआ हो, ये सब चीज़ आपको स्टील रोड पे लिखी हुई मिलेगी हर स्टील रोड पे। अगला है कलर। स्टील का कलर ग्रे होना चाहिए यूनिफॉर्म। अगला है बेंड टेस्ट। जब आप स्टील बार को 180 डिग्री पे घुमा दो तो आप एंगल पे देखोगे कि वहाँ कोई क्रैक तो नहीं आया। अगर वो क्रैक आता है तो बेकार क्वालिटी की स्टील है वो। तो इसके अलावा हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं जो मशीन की मदद से करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे हम स्टील की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं या डुप्लीकेट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में।